लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जानती है इन सितारों को देखकर क्या लग रहा है काजल? क्या? जैसे आसमान में रात रानी के फूल खिले हों और वो अभी हमारी झोली में आके रहेंगे। गिरना ही तो चांदी के सिक्के बनकर गिरे, एक एक सिक्के से ढेर सारे फूल खरीदे जा सकते हैं। सॉरी बाबा, सॉरी। पता नहीं हर वक्त क्यों पैसे पैसे करती रहती हूँ। आज शादी की सालगिरह के दिन भी तुम्हारा दिल दुखा रहा है। ओजी, ओजी इधर देखो ना, प्लीज। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो पता है क्या करती? एक लगाती खींच के, अपने आप अकल ठिकाने आ जाती। एक लगा दूं तो अकल ठिकाने आ जाएगी? वही तो, तुम दो लगा दो। कम है। ठीक है, चार पांच सात नौ दस जितने चाहो लगा दो, मैं चुभी नहीं करूंगी। और ऊपर सुनो जी, डैडी न्यूज़पेपर आ रहा है। अरे बाप रे, जैसे की सारा मोहल्ला खरीद लिया हो। डैडी रेडियो फुल वॉल्यूम में है, खूब खबरें सुननी पड़ेंगी। तुम लोग जाओ स्कूल के लिए, जल्दी तैयार हो जाओ। रोज रोज इनकी बातें सुनकर मैं तो थक गई हूँ। अजी सुनते हो जी, मैंने कहा। क्या कहा काजल? वो छह नंबर वाली गौरी की चाची है ना, उसने चार तोले की चेन बनवाई है। और वो पुष्पा नक्षड़ी, उसके घर में कलर टीवी आ गया 24 इंचेस। सब लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। पता नहीं हम लोग कब वीसीआर और टीवी खरीदेंगे, कब तक हम दूसरों के घर पे जाकर टीवी देखते रहेंगे। ये कहाँ चले गए? मम्मी डैडी का दिमाग जरा गर्म हो गया है, इसलिए बाथरूम गया है ठंडा करने। अरे तूने भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मम्मी, मम्मी, काजल मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, जल्दी टिफिन दे दो प्लीज। हाँ, हो गया हो गया। अरे रोमी प्रीति कहाँ तुम लोग? आया डैडी। ये लो पकड़ो पकड़ो जल्दी जल्दी। क्या है इसमें? ब्रेड बटर जैम। ओफो यार, कभी कभार पराठे वराठे दे दिया करो। कितनी बार समझाऊं, अमीर लोग हमेशा ब्रेड बटर जैम ही खाते हैं। आज हमारे पास पैसे नहीं तो क्या हुआ, जिंदगी भर थोड़ी ऐसे रहने वाले हैं। एक ना एक दिन हम भी अमीर हो जाएंगे। ये हाई सोसाइटी का आदत आप इसे डाल लेनी चाहिए ना। चलो। अच्छा भाई मैं चलता हूँ ऑफिस। इतनी शान से कह रहे हो जैसे अमेरिका जा रहे हो, सिर्फ जा रहा हूँ कहना काफी है। अच्छा बाबा जा रहा हूँ, जाऊं जाओ। लेकिन एक चीज तुम भूल रही हो, बच्चे देख रहे हैं। अरे टीका लगाने में शी क्या, टीका लगा दो। टीका? हाँ। काजल तुम भी कुमकुम वाली बिंदी क्यों नहीं लगाती? ये चिपकाने वाली बिंदी क्यों लगाती हो? सारी पैसे वाली औरतें ये स्टिकर ही लगाती हैं, सस्ती की सस्ती पड़ती है और देखने वाले सब हमको अमीर समझते हैं। एक ही पीस हो हिंदुस्तान में। चलो चलो रोमी, चलो प्रीति कमान, बाय बाय। टाटा टाटा टाटा। आज सुनो। हाँ बाबा, जल्दी घर आना और सबको सिनेमा ले जाना। वही तो। क्या बात है काजल बेटी? जरा घर का ख्याल रखना शारदा चाची, हम लोग बाहर जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। हम लोग पिक्चर देखने जा रहे हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। रीगल सिनेमा में एयर कंडीशन है ना। बाय। हम लोग टैक्सी में जाते हैं और टैक्सी में आते हैं, और जब तक बालकनी में बैठकर पिक्चर ना देखो तो पिक्चर का क्या मजा। टाइम क्या हुआ? अरे बाप रे, 6 बजने वाले, मेरा टाइम हो गया। बाय मम्मी। हम इंटरवल में जरूर आइसक्रीम खाएंगे। हाँ बेटा। पॉपकॉर्न भी। हाँ मम्मी। और कूल ड्रिंक। काजल क्या हुआ, पिक्चर नहीं गई क्या? क्यों, टैक्सी नहीं मिली अब तक? Thank you.
सॉरी काजल। छी, भगवान किसी को औरत का जन्म ना दे। क्या पत्नी होती है क्या पतियों के लिए? बदन पे मलने वाला साबुन या खाना बनाने की मशीन? वो क्या है काजल? मैं ही पागल थी जो मोहल्ले भर में झुंडोरा पिटाई कि मेरे पतिदेव मुझे सिनेमा दिखाने ले जा रहे हैं। असल में मालिक ने रोक लिया तो मालिक के गले में बांधना था ना मंगलसूत्र, मेरे गले में क्यों बांध दिया? पप्पू की माँ बोली, क्या हुआ काजल, कहीं नहीं सिनेमा देखने? और गौरी की चाची बोली, टैक्सी नहीं मिली होगी अब तक। नहीं काजल, नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी के अभी एक एयर कंडीशन सिनेमा हॉल खरीद के दो। सिनेमा हॉल खरीद के दो? हाँ, उसके बाद में सिनेमा दिखाने के लिए कहो तो फिर क्या? अरे नहीं काजल, नहीं, मार रख जाएगी काजल। दौलत के बिना जिंदगी में कोई जिंदगी है? सारा दिन एक पिक्चर देखने के लिए तरसते रहे। काजल मेरे कपड़े कहाँ है प्लीज? अब तुम लाख बुलाओ, नहीं आने वाली तुम्हारे पास। काजल प्लीज। चुप, तरसते रहो अब सारी रात। रुखसाना, जरा रघु को भेजना जल्दी। रघु तो बैंक गया हुआ है। अब्दुल तो होगा? अब्दुल तो साइड पे है सर। भाई कोई ना कोई ड्राइवर तो होगा। सारे ड्यूटी पे है सर। जब जरूरत पड़ती है तो एक भी ड्राइवर नहीं मिलता। सर कहीं जाना तो मैं ले चलूं। तुम? हाँ हाँ क्यों नहीं। राज आज जानवी आ रही है न्यूयॉर्क से, मेरे बड़े भाई साहब है ना अमेरिका में, उनकी बेटी। और तुम तो जानते हो कि मैंने दिव्यजा को टाइम दिया हुआ, मैं तो जा ही नहीं सकता। डू यू माइंड? उसको जाके एयरपोर्ट पर रिसीव कर लो, फ्लाइट का टाइम हो जा रहा है। श्योर सर। ये लो चाबी गाड़ी की। सर क्या नाम बताया सर? जानवी। एन पहले होना चाहिए, एच बाद में। वो मैं अगली बार ठीक लिख कर लाऊंगा। अगली बार? हेलो, अगली बार भी नाम लिख कर लाएंगे, ये चेहरा देख के नहीं पहचान सकेंगे। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आई एम सॉरी, आप बैठिए प्लीज। अंकल क्यों नहीं आए? वो मीटिंग में बिजी थे इसलिए मुझे भेजा। हेलो, ये सामान भी साथ जाएगा, सामान भी। नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है तुम्हारा? राज। अच्छा तो राज, पहले तुम बैलगाड़ी चलाते थे? क्या क्या क्या, इतनी स्लो क्यों चला रहे हो भाई? ए हेलो यू, इतनी फास्ट क्यों चला रहे हो भाई? क्योंकि इससे पहले मैं हवाई जहाज चलाता था। शट अप। आर यू मैड? आदमी होके घनचक्कर? Oh my God! Okay, listen. Get me a cold drink. Come on, quick. Oh. Idiot. Hey, you. Hey. क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें अपने घर का पता मालूम है? Of course. Sani Builders, Block 15, Olympic Street. Why? टैक्सी लेकर घर चली जाना। What? What do you mean? What do you mean? Hey. सुनो. Wait. हेलो मिसेस कपूर, आपसे कल मुलाकात होगी। विक्रम, आ राज, ले आ जानवी को। अंकल, दरअसल वो अंकल, हाउ आर यू? आई एम ग्रेट। रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? प्रॉब्लम कैसे होती अंकल, आपके इतने काबिल ड्राइवर साहब जो थे मेरे साथ। ड्राइवर? राज, तुमने इनको बताया नहीं कि तुम हमारी कंपनी में एक इंजीनियर हो यार? इंजीनियर? और मैं खामखा इंप्रेस हुए जा रही थी कि वाह, ड्राइवर के भी क्या तेवर हैं। तुम तो इंजीनियर निकले।
मैं चलूं सर। ओके थैंक्स। हेलो हेलो सॉरी बोलूं? दैट्स ऑल राइट। ये दैट्स ऑल राइट आप थोड़ा हंसकर भी बोल सकते थे। जानवी बेबी। यस। ये हैं विक्रम खन्ना, माय बिजनेस पार्टनर। हेलो, हाउ डू यू डू? ग्रेट थैंक्स। सानी साहब ने आपकी बहुत तारीफ की थी। really? लेकिन कम की थी। हाउ नाइस ऑफ यू टू से दैट। अंकल मैं घर जा रही हूँ, आपको बाद में मिलूंगी। बाय। ओके बाय बाय। और कितने चक्कर लगाऊं? मुझे कोई और काम नहीं है क्या? जैसे जैसे मतलब? मतलब और कौन सा काम है आपको? तुम जैसे तो किराया वसूल करना कोई कम काम है क्या? क्यों चिल्ला रहे हो हसमुख लाल जी? मैं चिल्ला रहा हूँ? तुम्हारी पत्नी चिल्ला रही है। भाई बात तो बताओ, बात क्या है? आपने कहा था ना कि धीमे 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 आपने कहा था ना कि आपकी पत्नी किराया देगी। कहा था? ये तुम दोगे? दोगे भाई, तुम्हें किराया क्यों नहीं दिया? वो रुपए तो खर्च हो गए। खर्च हो गए? मेरे पैसे खर्च हो गए? किराए के पैसे खर्च हो गए? कहाँ खर्च हो गए? एक मिनट एक मिनट। काजल मैंने तो तुम्हें किराए के पूरे पैसे दिए थे। कहा ना खर्च हो गए। इतने सारे रुपए किस चीज पे खर्च हो गए? हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा तुमको। मैं हिसाब नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे हसमुख लाल की बातें सुननी पड़ रही हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। मैंने लॉटरी की टिकट खरीद ली। क्या तुमने लॉटरी की टिकट खरीद ली है? हाँ, एक टिकट पर 1,00,000 का इनाम है। तुम्हारा दिन ब दिन दिमाग खराब होता जा रहा है। अरे 1,000 रुपए की तुमने लॉटरी की टिकट खरीद ली है? तुम पागल हो गई क्या? हाँ जी, जब तुम्हें कमाने के दूसरे तरीके नहीं आते तो मेरे पास अमीर बनने का और कौन सा रास्ता बचा है? शट अप। ऐसा चिल्लाइए मत, वरना मैं भी चुप नहीं रहूंगी। क्या करोगी? क्या करोगी तुम? औरत करे क्या सकती है? बस किचन में जाकर ओ करके रो सकती है, और क्या कर सकती है? हे भगवान, सर दुख रहा है। आज बाबू एक बार लॉटरी लगने दो, फिर देखना। आशे आशे। पैसा? हसमुख लाल जी, मैं कल तक आपके पैसे चुका दूंगा। तो आज क्या करूं, गुरखा बन के खड़ा रहूं? तब तक अभी घड़ी रख लीजिए। ये घड़ी बेच डालूं? अरे घड़ी क्यों बेचेंगे, मैं कल तक आपके पैसे चुका दूंगा। कल देगा? हाँ दूंगा। पक्का? पक्का। कितने बजे देगा? सुबह को देगा, रात को देगा? शाम को, ऑफिस से लौटते ही मैं आपके पैसे चुका दूंगा। ऑफिस नहीं गया तो? अरे ऑफिस क्यों नहीं जाऊंगा? जाएगा। हाँ जाऊंगा। वापस आएगा? वापस आऊंगा। लेगा तो नहीं? क्यों भूलूंगा? फिर कल? हाँ कल। कल शाम को? शाम। कितने बजे? 5:30 बजे। 5 बजे नहीं हसमुख लाल जी, मैं कल शाम को 5:30 बजे आपके पैसे चुका दूंगा। तो मैं चलूं? चाहिए, प्लीज चाहिए। ये अभी तक पिताजी, मुझे फिल्म में हीरो का चांस मिल गया। पिताजी हीरो का? अबे तुझे कौन उल्लू का पट्टा हीरो का चांस देगा बे? पिताजी यूं समझ लीजिए कि मैं हीरो बन गया। मैं नहीं मानता। अबे तुझे साबुन लाने भेजा था। साबुन? पिताजी मैं एक सैड सीन करना चाहता हूँ। बाहर जाके कर। नहीं पिताजी बात सुनिए, प्लीज, रोने वाला सीन है, उसके लिए आपको मरना होगा। मर जाइए, मैं रोने की एक्टिंग करूंगा पिताजी, मजा आएगा। क्यों बोला? अबे ये क्या कर रहा है? स्लो मोशन पिताजी। छापड़ मारूंगा, लूज मोशन स्टार्ट हो जाएंगे। तू चाहता कि मैं मर जाऊं ताकि तू ये घर बेच के फिल्म में ना डाले? कभी नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगा मगर मरूंगा नहीं। पिताजी व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम? ओ माय गॉड, मेरे बाप मरने से इनकार कर रहा है। चंपक मैं सैड सीन कैसे करूं यार? ओ गुड आइडिया। ठीक है ना? और एक्शन। मेरा बाप मेरे को छोड़ के चला गया। गांव वालों, अरे दुनिया में अपन किसका बाप बोलेगा? अपन को लवारिस कर दिया, लवारिस। मेरी माँ को विधवा बना दिया। पैदा होते मर के रह गया, अपन को अकेला छोड़ के चला गया इस दुनिया में। कट कट। अरे क्या घिसे में रिकॉर्ड की तरह डायलॉग बोल रहे हो? सब पब्लिक चली जा रही है, अरे अंदर के कलाकार को बाहर लाओ। एकदम इमोशनल? हाँ। अंदर से रो? अंदर से रो। एकदम दिल से? दिल से। एक्शन बोल। एक्शन। बापू, पिताजी आप मुझे छोड़ के चले गए। अभी अभी तो आपने मुझसे साबुन मंगाया था, साबुन लाने से पहले ही बगर नहाए निकल लिए। मेरी माँ को विधवा बना के चला गया है तू। ये अगरबत्ती? मैं
पिताजी। कब हुआ ये हादसा? अभी अभी ध्यान हुआ है जी इनका। अरे मेरी माँ के साथ कितना अन्याय हुआ। बैगन भरता बहुत पसंद था इनको, माँ बैगन लेने गई है, बैगन भरता खाए बगैर चला गया। अरे ऊपर क्या भजिया खाएगा। छोटा बच्चर बा, होनी को कौन टाल सकता है माँ। चला गया, जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है माँ। यकीन नहीं आता माँ, इसकी आंखें देख ऐसा लगता है टीवी पे बैठ के वर्ल्ड कप देख रहा है माँ। मेरी माँ कितना चरोरी ना? वेरी नेचुरल। कंटिन्यू। कंटिन्यू। आगे देख माँ, आगे देख, ऐसा लगता है मेरी पहली फिल्म का प्रीमियर देख रहे हैं। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों रो रही हो? एक तो मेरे पति का स्वर्गवास हो गया, ऊपर तो मुझे रोने भी नहीं देते। तुम्हारा पति कौन? मैं? अरे मैं जिंदा हूँ। काहे भूत? अरे तुम ही तो हो। मैं तुम्हें भूत दिखाई दे रहा हूँ? ये सब क्या है? ये तो मैं बाथरूम में नहा रहा था, पानी चला गया तो मुझे ऐसे बाहर आना पड़ा। ये कौन है? मैंने उसको पहले कहीं देखा है। पिताजी आपकी तस्वीर है पिताजी। हराम खोर, मैं जिंदा हूँ, तूने मेरे जीते जी मेरे फोटो पे हार चढ़ा दिया। पापू ये आर्ट है, कला। अगर मैं रोने की एक्टिंग नहीं करता तो इतने लोग जमा होते? ये कला की सेवा है पिताजी। सेवा मैं करता हूँ। खबरदार मेरे बच्चों को हाथ लगाया, एक तो बेवजह मुझे इतना रोना पड़ा। व्हाट?